की आवाज उठा सके हमारी बात मनवाए, इसीलिए बनाते होंगे। कोई ए मामाल नहीं तो है नहीं जो चाटने के लिए बनाते हैं। एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके हमारी बात मनवाए, इसीलिए बनाते होंगे। कोई ए मामाल नहीं तो है नहीं जो चाटने के लिए बनाते हैं। एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके हमारी बात मनवाए, इसीलिए बनाते होंगे। कोई ए मामाल नहीं तो है नहीं जो चाटने के लिए बनाते हैं। एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके हमारी बात मनवाए, इसीलिए बनाते होंगे। कोई ए मामाल नहीं तो है नहीं जो चाटने के लिए बनाते हैं। एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके हमारी बात मनवाए, इसीलिए बनाते होंगे। कोई ए मामाल नहीं तो है नहीं जो चाटने के लिए बनाते हैं। एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके हमारी बात मनवाए, इसीलिए बनाते होंगे। कोई ए मामाल नहीं तो है नहीं जो चाटने के लिए बनाते हैं। एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके हमारी बात मनवाए, इसीलिए बनाते होंगे। कोई ए मामाल नहीं तो है नहीं जो चाटने के लिए बनाते। वीरेन चौहान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। वीरेन जी, रणदीप सुरजेवाला का एक वीडियो है जो कि वायरल हो रहा है, एक्सपर्ट्स को पोस्ट भी किया गया है, कैसे देखते हैं इस स्टेटमेंट को आप? उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा मैं ठीक से सुन नहीं पाया, लेकिन जो मुझे बताया जा रहा है कि उन्होंने आपत्तिजनक शब्दावली का प्रयोग किया है। मुझे इस पर यही कहना है, भारतीय जनता पार्टी को यही कहना है कि जब तक कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी है, राहुल गांधी के खराब कर्मों को ढकने के लिए चाटुकारिता की सारी सीमाएं पार करने वाले और राहुल गांधी की तरह ही असंयमित होकर के अमर्यादित भाषा बोलने वाले रणदीप सुरजेवाला जैसे हैं, तब तक कांग्रेस को समाप्ति की ओर जिस गति से वो बढ़ रही है उस तरफ बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ये वही रणदीप सिंह सुरजेवाला है जिन्होंने हरियाणा के करोड़ों मतदाताओं को हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का साथ देने वाले, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाले मतदाताओं को गाली दी थी, उन्हें राक्षस कहा था, राक्षसी प्रवृत्ति का कहा था। इन चुनावों में रणदीप सिंह सुरजेवाला और राहुल गांधी दोनों की बदजुबानी का हिसाब इस प्रदेश की जनता वोट की चोट से लेगी। चुनाव चल रहे हैं, एक एक शब्द का हिसाब और एक एक बदजुबानी का हिसाब वोट की और करारी चोट के साथ कांग्रेस पार्टी से और उसके नेताओं से जनता ने लेना है। रणदीप सिंह सुरजेवाला पहले जो उन्होंने बदजुबानी की थी, उसको बदतमीजी भी कहूं तो वो अतिशयोक्ति नहीं होगी, उसके लिए भी उन्होंने कभी माफी नहीं मांगी। आज भी उनका वो पाप, वो अपराध जस का तस कायम है। लेकिन जैसे इनके नेता राहुल गांधी अपनी गलतियों से सीखने के लिए तैयार नहीं है, ठीक उसी तरह उनके अनुयायी रणदीप सिंह सुरजेवाला तरीके जो नेता हैं, वे भी सुधरने के लिए, सीखने के लिए, खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं है। मर्यादा इनके पाठ्यक्रम में नहीं है, इनके संस्कार में नहीं है, इनके स्वभाव में है ही नहीं। महिला का सम्मान करने की बात हो तो ये मार खाते हैं, तो ये गलतियां करते हैं। जब देश की सेना के सम्मान का मामला होता है तो ये भद्दी भाषा बोलते हैं, भारत माता की बात हो तब ये भद्दी भाषा बोलते हैं। और इनके ये उन्हीं राहुल गांधी के अनुयायी है ना मित्रवर जी, जो राहुल गांधी ये कहते हैं कि हमारी लड़ाई तो शक्ति से है, शक्ति को समाप्त करना चाहते हैं, भारत में रह करके शक्ति से लड़ेंगे, भारत में रह करके शक्ति के विरुद्ध संग्राम कोई करना चाहता है तो उसका विनाश, उसका राजनीतिक सर्वनाश कोई नहीं रोक सकता। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने अपनी बदजुबानी से एक बार फिर उस अवश्यंभावी कांग्रेस के अवश्यंभावी सर्वनाश को गति देने का काम किया है, मैं तो यही मानता हूं जी। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए।